तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब यहाँ पर, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से कोई भी बाल नहीं बचना चाहिए, ठीक है। Hey guys, what's up? Namaskar, Kim Show, Adab se Shekal Vanakkam, Subh Sandhya, good evening, a very warm welcome to our YouTube channel, Mr. and Mrs. Raj. This is Sachin Raj और आज के ब्लॉग की शुरुआत मस्त मौसम, मस्त नज़ारे, हल्की हल्की बरसात हो रही है, वैसे बारिश ज़ोर से हो रही है, लेकिन बारिश ऐसे है ना तो मैं अपने छत मतलब अपनी बिल्डिंग के साया में हूँ, लेकिन आप आवाज़ सुन सकते हो। मैं आपको एक बार पीछे की झलक दिखाता हूँ और आप देखना कितना मस्त बारिश हो रहा है। ये देखो पत्तों पे जब ये बारिश की बूंदें गिर रही है ना, बहुत तेज आवाज हो रहा है। तो गाइस ज्यादा देर में रहूंगा तो मैं भी गीला हो जाऊंगा। आप देख सकते हो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं और अब जोर से आने लग गई। तुम भागता हूँ अंदर। इनको देखिए, ये लेटे लेटे यहाँ पर बता रही हैं कि गैस का कागज कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि हमारे घर में गैस खत्म हो गया, सिलेंडर मैंने बुक कर दिया था, तो ये अभी बता रही हैं कहाँ प्लास्टिक में रखे हैं। तो चलते हैं मम्मी के पास। तो गाइस अभी शाम के 6 बजे ये ब्रश कर रहे हैं। हॉबी क्या है, ब्रश कर रहा है। और मम्मी यहाँ पे सोई हुई है, मम्मी वीडियो ही देखते रहती है। इनका बढ़िया है सीरियल छोड़ के, अब कभी इधर का वीडियो, कभी उधर का वीडियो, कभी इसका वीडियो, कभी उसका वीडियो, कभी यहाँ का वीडियो, कभी वहाँ का वीडियो। अरे हम भी कंप्लीट करेंगे तब तो, तो इधर का वीडियो, उधर का वीडियो, इतना वीडियो, वीडियो ही वीडियो, इनका जिंदगी वीडियो हो गया है। हो गया? अभी बोलने तो दीजिए यार, बीच में बोलना आपको जरूरी है। आई एम स्पीकिंग, यू शुड नॉट स्पीक, यू आर डिस्टर्बिंग मी। व्हेनेवर आई एम गोइंग टू स्पीक समथिंग, यू आर कंटिन्यूअसली स्पीकिंग समथिंग एज इफ आई एम स्पीकिंग। सो मुझे नहीं पता गाइस ये इतना वीडियो क्यों देखती है। पहले सीरियल आता था गोपी बहू, कौन बहन देखते रहती थी। उनके बाद सब उस लोग का बंद हो गया, तो अब यहाँ घर घर का कहानी शुरू हो गया इनका। उसके साथ साथ कुछ ऑडियंस लोग फिर बोला, अभी लेट मी स्पीक मम्मी, आई एम नॉट अलाउविंग यू टू स्पीक, व्हाई आर यू स्पीकिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड, इज दिस अ वे टू स्पीक, लेट मी फर्स्ट फिनिश देन यू कैन स्पीक अप इफ यू रियली वॉन्ट टू स्पीक। अभी तो तुम बोलिए। अरे ओ मॉम, आई एम नॉट अलाउविंग यू स्टिल, हम जब तक बोल नहीं रहे आप बोल नहीं रहे दादी हैं। तो गाइस इनका यही है, इनको बोला जाता है कि डॉक्टर ने भी बोला है कि आपको आराम करना है, आपको रेस्ट करना है। फिर अभी मैंने फिनिश नहीं किया, आई हैव नॉट येट फिनिश्ड, आई हैव नॉट येट फिनिश्ड। 10 वो डॉक्टर के साथ ही हम कर ले हैं, हमको नहीं पता काहे ना ऑपरेशन हो कर लियो अपने से, वो भी करने लग रहा था हम कर लेते, काहे नहीं कर ली समझा, लेकिन डॉक्टर को डॉक्टर। अरे आपको अभी अभी मेरा बात कंप्लीट नहीं हुआ है, लेट मी कंप्लीट, अभी हम पहले, ओहो मैंने देखिएगा इनसे ना 2 मिनट कंट्रोल नहीं होता है बोलने के लिए, ये बोल के ही मानेंगी। इनको इतना समझाया जाता है कि नहीं बोलना है, फिर देखिए बोल दी, हम बोल रहे हैं ये, हम बोल रहे हैं कि आके ये 2 मिनट नहीं चुप रह सकती है, लेकिन ये बोलेंगे जरूर। अभी इनको बस चैलेंज दे रहे हैं 2 मिनट का, 2 मिनट ये चुप रह पाती है कि नहीं देखते हैं। इनको गाइस पता है कम से कम 10 डॉक्टर बोला है कि आपको नहीं बोलना है, आपको अपना सेहत पे ध्यान देना है, आपको रेस्ट करना है, लेकिन ये कभी इधर मौसी से, कभी उधर मौसी से, कभी अपना सखी से, कभी अपने चाची तो नहीं खैर, कभी अपने घर पे, तो कहीं कहीं बात करते रहेंगे। और दिन भर में कम से कम नहीं, अभी तो 25 सेकंड हुआ, दिन भर में कम से कम 40 मिनट, ये सॉरी 1 घंटे में 40 मिनट ये बात करती हैं फ़ोन पे। अभी इनका कॉल हिस्ट्री भी आपको दिखा सकते हैं, काहे इतना बात करती हैं, ये जिनसे हम जानेंगे। पूछना चाहता है सब लोग कि इतना बात आखिर ये क्यों करती हैं, लेकिन इससे पहले कि अभी ये जवाब दें, मैं इनका कंट्रोल पावर देखना चाहता हूँ, ये कैसे इतना कंट्रोल करके। अरे भाई पेट है कि क्या है, ये कांप रहा है, एकदम कंपन लग रहा है, भूकंप आ गया है पेट, दम फटाक फटाक। तो इतना पापा भी समझाते हैं कि नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये एकदम नहीं मानती, एकदम बोलती रहती है, पेट इतना कि वाइब्रेट कर रहा है, लग रहा है कि एकदम भूकंप आ गया है। अभी हुआ है 55 सेकंड, 1 मिनट नहीं, अभी 1 मिनट नहीं हुआ है। बड़ी मुश्किल से अपने दिल पे पत्थर रख के ना इन्होंने अपनी वाणी को विराम दिया हुआ है कि अभी तक हमको बोलना ना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं है, देखते हैं। मेरे अकाउंट से इसी बात पे पैसा कट गया, जाने कहाँ से। देखिए गाइस अभी जैसे थोड़ा मेरा मैसेज आया था, प्रोसेसिंग चार्ज कुछ कटा है, फिर बोल दी, ओफो ऑडियंस देख रहे हैं, ऑडियंस देख रहे हैं, अच्छा वीडियो का कट मार दिया इसीलिए बोल रही 5 मिनट, भाई साहब
तो गाइस अभी हम लोग फिलहाल यहाँ सब निकलने वाले हैं। आज सुबह से तो कोनो बहन से बात नहीं किया है, ना कहीं से फोन आया है, खाली एगो पूजा का कॉल आया है। आके सब लोग कोटा पूरा कर दिया है, 4 मिनट बात किया हमसे, इसके अलावा कुछ नहीं। तुम देख लो मेरा फोन, चेक कर लो। सब लोग आके कल कोटा पूरा कर दिया है 4 दिन का। तो उसे का बहन है तो रात भर रहती, दिन भर रहती, तब हम बात करते हैं। 4 दिन का कोटा पूरा हो गया तो आज थोड़ी फिर बात कीजिए। अब आज का टॉपिक नहीं बचा होगा आज बात करने वाला, आपके पास टॉपिक ही नहीं बचा होगा आज बात। नहीं, डॉक्टर बोलता है कम से कम अमित किटू से, रुद्र पूजा से और थी से, जिया सासवत से सबसे तो बात करता है। मैं माना क्यों हूँ एक बार, हमको डॉक्टर नहीं बोला है वाणी पे विराम देके आराम करने के लिए, आपको बेड रेस्ट बोला है, आपको कंप्लीट बेड रेस्ट। आप ही बता दीजिएगा डॉक्टर को, आप ही बताने वाली हुई है। हम कहाँ बोल रहे हैं, अपने से कुछ बोल दे रही है। कैसे आपने आपको पागल बोलिया, वाई स्पीक इन इंग्लिश। मम्मी को इंग्लिश बोलने की बारी आती है ना तो बोले वाई डोंट यू स्पीक इन इंग्लिश, एटलीस्ट यू शुड ट्राई। Not try. Not try. You should try. Notary तो हाउ होता है, notary stamp लगा देगा सब। देसी मुर्गी भी लाती बोल। No. Mom, you should speak in English. अरे सोचे कि तुमसे पूछे। Speak in English. हिलाओ मत हमको। Speak in English. Mom, why are you sleeping? No sleeping. Why are you talking so much on phone? No phone. Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Telling lies. Open your mouth. No such thing. इनका आँख खुल रहा है, माउथ का मतलब आँख होता है इनको। इनको यही पता है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। चलिए मम्मी का बात सुन लेते हैं। चलिए मम्मी प्रवचन दे दीजिए थोड़ा सा। हम प्रवचन क्यों देंगे? आप देती हैं, आप ज्ञानी, आप ज्ञान देते रहती हैं। मेरा ज्ञान में से ना का निकला है मासा, तो लड्डू सोचेगा चॉकलेट सटा निकाल देगा। पापा के कान में चढ़ता है। मेरा भी आँख पे निकला हुआ है मासा, इसको कटवाना है, बढ़ रहा है। ये तो नहीं था इतना, वही तो। चलो देखिए, सुकून नहीं रहेगा, बोलना स्टार्ट। अच्छा से घर बनवा लियो, हम तो चल जाए, टाइल्स लगवा लियो, बढ़िया से सफाई करा लियो, घर बोझ करा लिया, ठीक बा? ठीक बा। एक ही बार घर बोझ में बुलाएंगे आपको? ना, हम नए हैं। देख रहे हैं गाइस, जाते जाते मतलब मम्मी ऐसा क्यों बोल रही हैं? हम नहीं आएंगे इसे घर बोझ में, क्योंकि इसलिए नहीं आएंगे कि ये सब बहुत ऐसी आदमी है, सब क्या गैदरिंग करने वाला आदमी है। आप? हम लोग तो शुरू से 70-80 आदमी को लेकर रखती थी घर में, तभी तो अच्छा लगता था। तो इसे आदत लगा दी है तो हम भी भर लेते हैं। नहीं, उन लोग के लिए नहीं बोल रहे हैं। गैदरिंग का मन नहीं करेगा जी, कहाँ कौन सी है यहां, आपको बुझने का जरूरत है। घर में रहिएगा, सब सामान घर में रहेगा, चलना फिरना ज्यादा नहीं करेगा, तब एंजॉय कीजिएगा। देखिएगा जिनकी कमी थी वो अभी यहाँ पे पहुंच गई है। तो गाइस आपको बता दे, मनीषा को भी पता है कि डॉक्टर ने मम्मी को बोला है नहीं बोलने के लिए। तुमको पता है कि हमको नहीं बोला है? नहीं, ऐसे ही नहीं बोला। तुमको नहीं पता है मम्मी, डॉक्टर ने बोला रेस्ट करने के लिए। रेस्ट मुंह से कहा है बोलने के लिए मम्मी? तो रेस्ट का मतलब आदमी चुपचाप, एकदम बेड पर सो। रेस्ट का मतलब होता है आदमी चुपचाप। गाइस गलती से मम्मी का हाथ मेरे मुंह पे गिर जाएगा तो मुंह पे चक सकता है मेरे। देख लिए गाइस, मेरे को ऐसी मारती है ये, और उसके बाद हमको बदनाम कर देती है। तुमको कौन बदनाम करता है, तुम खुद अपने से। अरे हम तो वो जालिम है जनाब की बदनामी के बाद लगा दो। एक बार हाई रबड़ लगाई थी एक बार। अरे तुम वो लगा लो ना, हीना हेयर ऑयल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब यहाँ पर और यहाँ पे तेल लग रहा है माता में, पूरा सिर दर्द निकल जाएगा और थोड़ी देर बाद इनकी पहचान नहीं होगी। जो है ना पूरा क्रॉप हो गया। चल तुम्हारा स्मूथनिंग करवा देते हैं, प्रॉपर स्मूथनिंग करवा दिया जाएगा तो एकदम ठीक हो जाएगा। अब मत सीधा करवाना, वही स्मूथनिंग होगा। अब सारा बाल खराब हो गया देख रहे हो गाइस। मम्मी जानती है रेगुलर तेल नहीं लगाती बाल में,
जब धोना रहेगा ना तो रात में लगा। अच्छा अच्छा मामा अर्थ का है। और सुबेरे का काम के धो लेना। अब तिल लग रहा है तो यहाँ पर अच्छे तरीके से कोई भी बाल नहीं बचना चाहिए, ठीक है। जब मम्मी कुछ करे ना उनको ऐसे बोल दो तो घर में आ जाएंगी। मम्मी आप रेस्ट कीजिए, क्या कर रही हैं वो सब मत दिखाइए, बोलिए एकदम कि अच्छा अच्छा है। रुकिए है बाल पक गया इसको नोच देते हैं। अरे अच्छा सॉरी हाइलाइटेड था, हमको लगा पका हुआ हाइलाइटेड था, लाल लाल कलर का। यहीं पर ना कस के झाड़ेगी बाल, कस के कौची कस के रिंच सीधा कर देगी तब जाकर सही होगा। हमको लगा नट बोल्ट है कसना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पर फाइनली मनीषा के सिर में ऑयलिंग हो रहा है प्रॉपरली और मम्मी अभी पता नहीं क्या क्या सेटिंग कर रही है। कह देंगे उसके बाद करेगी नहीं, एक बार उसका फिर आ जाएगी छठ में। करबे नहीं करती है, अपने से नहीं लगाना चाहिए, सब करना चाहिए अपने से। जब नहाना है ना जी करदा दिला दूं तेनु बुर्ज खलीफा, लगा लेना तेल, लगा के चोटी कर लेना, तब सुधर धोना देखना कितना अच्छा बाल रहेगा। पूजा का हमेशा बाल में तेल लगाते थे, समझी। काहे काट दीजिएगा, खाली जीभ निकल रहा पट जी नहीं जी, कैसे डरती है देखना इसको, डर आज नहीं काटिए, शाम के बिना नहीं कटता है, पैसा होता है बाल, काटेगी तो पैसा कट जाएगा तुम्हारा। हाँ मम्मी तो तू लोग काहे कटवा लेता है अपना। हम लोग का नहीं, औरत लोग का बाल पैसा के बराबर होता है। क्या बोला है, कहाँ से इतना? अरे हम ऐसे ही बोल देते हैं जो हमको अच्छा लगता है हम बोल देते हैं। इससे अच्छा बाल में ये सेंट मारो मस्त, देख लीजिए मम्मी स्प्रे मार। देखो मम्मी थोड़ा थोड़ा नीचे अबे लगा है इतना सा सेंट। तो यहाँ पर फिलहाल अब जा रही हैं बाल सीधा करने। तो सो गाइस इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मनीषा का बाल जो कटने वाला है वो मम्मी काटेंगी तो वो आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। एंडिंग अप दिस ब्लॉग राइट हियर, आई होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना। इनका मूवी देख लीजिए जाते हैं, हाई 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 है मुआ, अभी जाके बाल कटवाने जा रही है, तो अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे, बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।